हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षेश एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षेश में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है द नेबर्स विंडो। ये मूवी ने 2020 में ऑस्कर अवार्ड जीता था। चंद मिनटों की ये मूवी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है जो हम अपनी आंखों से साफ नहीं देख पाते या फिर बता सकते कि हम अपने देखने की कोशिश ही नहीं करते। फर्स्ट सीन में हमें एली नाम की औरत दिखाई जाती है जो अपने पति के साथ तीसरे बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक रात को एली अपने बच्चों के टॉयज उठाते उठाते थक जाती है और अपने पति के पास बैठ जाती है जो खुद भी बहुत थका हुआ होता है। तब उनकी नज़र पड़ती है सामने रहने वाले एक कपल पर। वो उम्र में उनसे छोटे होते हैं। वो दोनों उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी लाइफ की एक रात को झांक रहे होते हैं। एली और उसका पति सोचते हैं कि अब वो पहले जैसे यंग नहीं रहे और उन्हें अब हर रोज ये करने की आदत हो गई है। एली जितना उन पड़ोसियों की लाइफ को देखती जाती थी उतना ही खुद की लाइफ को कोसने लगी थी क्योंकि वो थक चुकी थी। इतनी उम्र की औरत बनकर उसे अपने 3 बच्चों को संभालना पड़ रहा था और वो खुद को उन पड़ोसियों से कंपेयर करने लगी थी और कहने लगी थी कि वो अब जवान नहीं रही और इतनी खूबसूरत भी नहीं रही। वो दोनों परेशान थे कि एक तरफ काम और बच्चों को संभाल कर थक रहे होते हैं और सामने रहने वाले पड़ोसी हर वक्त प्यार और एक दूसरे में खोए रहते हैं और अपने दोस्तों को भी घर बुलाकर पार्टी करते रहते हैं। वो दोनों अपनी लाइफ सुधारना तो चाहते थे लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एली अपनी लाइफ छोड़कर उन पड़ोसियों की लाइफ में दिलचस्पी रख रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एली का ऑब्सेशन उन पड़ोसियों के लिए बढ़ता गया और वो दिन रात बस उसी काम में बिताती रहती थी। एक रात जब एली नींद से जाग गई तब उन्हें एहसास हुआ ये दोनों भी इंसान हैं और उन दोनों की लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। थोड़े दिन बाद एली और उसके पति उन्हें फिर से देख रहे थे। इस बार उसे लड़के के सर पर बाल नहीं थे और उन्हें पता चलता है कि उस लड़के को बीमारी है। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन एली को पता चलता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा बीमार है। जिस लड़की को देखकर एली ऐसा सोचती थी कि काश उसकी लाइफ भी उस लड़के की जैसी होती। उस लड़की को एली ने आज पहली बार टूटते हुए देखा। फिर एक रात एली देखती है कि उस लड़के की मौत हो गई है और उसकी बॉडी को घर से ले जाया जाता है। इस रात पहली बार एली उस फैमिली के करीब गई जिसे वो दूर से देखा करती थी। उस दिन उनकी ज़िंदगी को करीब से देखने के बाद उसको एहसास हुआ जो कुछ भी दूर से जैसा दिखता है वो सब कुछ वैसा नहीं होता। एली ने उस लड़की से बात की और उसे सहारा दिया। तब उस लड़की ने बोला उसने खिड़की से एली और उसके परिवार को देखा था। उसने कहा जब उसका पति बीमार था तब वो एली और उसके बच्चे को देखा करते थे और हमेशा सोचा करते थे कि काश उसकी ज़िंदगी भी एली की जैसी होती और हमारे भी इतने प्यारे बच्चे होते। ये सुनकर एली को वो सच मालूम हुआ जिसे वो देखना नहीं पा रही थी या फिर देखना ही नहीं चाहती थी। दूर से देखने पर हर किसी को दूसरे की ज़िंदगी हसीन और बेहतर लगती है और अक्सर हम उन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे ज़िंदगियों में खुशी लाती है। अगर हम किसी और की नज़र से हमारी ज़िंदगी देखेंगे तो हमें भी हमारी ज़िंदगी बेहद हसीन नज़र आएगी। और एली ने जब उस लड़की की नज़र से अपनी लाइफ देखी तो उसे लगा कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे की लाइफ में नहीं हैं और किसी और की लाइफ के लिए वो ब्लेसिंग होगी। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।